नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी। मेरा ये वीडियो है प्रश्न रखते हुए सभी जनता जनार्दन के सामने। फॉर्मर बिग बॉस पार्टिसिपेंट एंड एक्ट्रेस पायल रोहतगी नाउ वांट्स एन ऑडियंस विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। The actress, who is very vocal about current issues and goings on in the country, said that people such as herself are being misled and she needs help. She took to her Instagram account and shared a video addressed to PM Modi. In the clip, the actress can be seen pleading to the PM with folded hands to allow her to meet him. She further goes on to say that as a citizen of India, she has the full right to meet her Prime Minister. She further alleged that she, along with other Modi supporters, have been misguided for over 5 months by people who are known and is close to him. Namaste, मैं हूँ पायल रोहतगी। ये मेरा वीडियो है मोदी जी के लिए। मोदी जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि मुझे आपसे मिलने का मौका दिया जाए। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग जो आपके साथ संबंध रखते हैं या आपकी पार्टी के साथ संबंध रखते हैं, मिसगाइड करते हैं। आपकी फोटोग्राफ शेयर करके लोग ये दिखाते हैं कि वो आपको जानते हैं और हम जैसे मोदी सपोर्टर्स को मिसगाइड किया जाता है। मैं थक गई हूं। आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, कुछ हफ्ते पहले मैं टूट पड़ी। मेरा एक हेल्पलेस नेचर लोगों ने देखा क्योंकि मुझे बहुत मिसगाइड किया। पायल देन वेंट ऑन टू आस्क द पीएम टू हेल्प हर विद हिज ऑफिशियल ईमेल आईडी। If this can't be done, Payal asked to know about the protocol to set an appointment with him. क्या मुझे कोई आपके सेक्रेटरी का नंबर दे सकता है? I want to meet you. मुझे आपके साथ मेरा कोई इश्यू डिस्कस करना है जिसके लिए मुझे आपसे मिलना पड़ेगा। I need to meet you because I need help and you are my prime minister and as an Indian citizen you should be accessible to me, मोदी जी। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि प्लीज मुझे मिलने का अपॉइंटमेंट दीजिए। प्लीज लेट मी नो द प्रोटोकॉल टू मीट माई प्राइम मिनिस्टर। Namaste, Jai Hind. For the unversed, Payal is often seen in the grips of controversies due to her shocking statements on Twitter and Instagram.